ये सक्सेस स्टोरी है ओपरा विनफ्री की, जिन्हें टीवी जगत की क्वीन कहा जाता है। दुनिया की शायद ही ऐसी कोई हस्ती हो जो उनके शो पर ना आई हो, पर उनका जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। वो इतने गरीब परिवार में पैदा हुई थी कि उन्हें कई बार आलू की बोरी पहननी पड़ती थी। ओपरा को 9 साल से 14 साल की उम्र तक सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था, इस वजह से वो 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेगनेंसी की वजह से उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। उस उम्र में उनको पता भी नहीं था कि प्रेगनेंसी क्या होती है, और इसमें ओपरा की कोई गलती भी नहीं थी, पर फिर भी उन्हें सज़ा मिल रही थी। जब डिटेंशन सेंटर में एंट्री का प्रोसेस चल रहा था, तब उनको पहली बार एहसास हुआ कि उनको बचपन से अब्यूज़ किया जा रहा है और उसके कारण वो आज इस हाल में हैं। और डिटेंशन सेंटर एक ऐसी जगह थी जहाँ बुरी लड़कियों को रखा जाता था। तब उन्हें ऐसा लगा मानो वो अब ऑफिशियली एक बुरी लड़की बन गई हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह को बिलोंग नहीं करती हैं। उन्हें इस जगह नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक बुरी लड़की नहीं है। तभी अंदर से एक औरत आती है और उनकी माँ से कहती है कि यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं है, इसीलिए आपको 2 हफ्ते बाद आना पड़ेगा। और इस तरह वो अपने डैड के पास रहने चली गई। उन्हें लगा कि उनसे बड़ी कोई शक्ति है जिसने उनको वहाँ से बचा लिया। उन्हें लगा जैसे उनको एक नया चांस मिला है, पर जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो वो 2 हफ्ते बाद मर गया। और तब ओपरा के पिता ने उनसे कहा कि ये तुम्हें दूसरा मौका मिला है, इस मौके का यूज़ करो और अपनी लाइफ का कुछ बना लो। ओपरा ने इस मौके को इस्तेमाल किया। उन्हें ऐसा लगा कि वो अब पहले से ज़्यादा जानती हैं और इसीलिए वो पहले से बेहतर कर सकती हैं। ओपरा 1954 में मिसिसिपी की एक छोटे से टाउन में पैदा हुई थी। 1976 में ओपरा बाल्टीमोर शिफ्ट हो गई और उन्होंने एक हिट शो पीपल आर टॉकिंग को होस्ट किया। पर उस शो में उनके को होस्ट को ओपरा से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, तो ओपरा ने अपने बॉस से पूछा कि रिचर्ड को मुझसे ज़्यादा सैलरी क्यों मिल रही है जबकि हम एक ही काम करते हैं और एक ही शो में को होस्ट हैं। तो बॉस ने ओपरा से पूछा कि तुम्हें क्यों रिचर्ड जितने पैसे मिलने चाहिए, रिचर्ड के बच्चे हैं क्या तुम्हारे हैं? ओपरा ने कहा नहीं, वो अपना घर खुद ओन करता है, क्या तुम्हारा अपना घर है? ओपरा ने कहा नहीं, उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है और उसे इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, क्या तुम्हें पे करना पड़ता है? ओपरा ने कहा नहीं, तो तुम्हें रिचर्ड के बराबर पैसे क्यों चाहिए? इस पर ओपरा ने अपने बॉस को कहा आपके समय के लिए शुक्रिया, और उन्होंने वो शो छोड़ दिया। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी, ना कोई केस किया। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। ओपरा ने अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओपरा का लाइफ में एक विजन था और उन्हें हमेशा से यकीन रहा कि उनको उनसे बड़ी एक शक्ति रास्ता दिखाती है। वो मानती हैं कि हम संसार में कुछ नहीं कर सकते हैं अपने आप को जाने बिना। वो कहती हैं कि हमें अपने आप को उस शक्ति से जोड़ना होगा जो हमसे बहुत बड़ी है, और यही वो शक्ति है जो ईंधन की तरह काम करती है और आपसे इतने सारे काम करवाती है। लोग इस संसार के लिए तब भी कुछ कर सकते हैं जब वो पहले अपने आप को जानते हों और ये जानते हों कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं। हम सबके अंदर ये अंतर्मन की आवाज़ होती है, पर समय उसको सुनना शुरू करना है। ओपरा कहती हैं कि उनके सबसे ख़राब डिसीजंस तब आए जब उन्होंने इस अंतर्मन की आवाज़ को अनसुना कर दिया और अपने लॉजिक की बात मानी। इसीलिए लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ओपरा ने उन लोगों का इंटरव्यू किया जो स्किन के कलर के बेस पे लोगों में भेदभाव करते थे, पर ओपरा ने रियलाइज़ किया कि ये इंटरव्यूज़ उन लोगों की अपने लिए सपोर्ट बढ़ाने में मदद कर रहे थे। तब उन्होंने ऐसे इंटरव्यूज़ लेना बंद कर दिया। फिर उनके एक एपिसोड में एक आदमी, उसकी पत्नी और गर्लफ्रेंड आई। उस आदमी ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। ओपरा ने देखा कि उस आदमी की वाइफ बहुत बेइज्जत फील कर रही थी। तब ओपरा अपने प्रोड्यूसर के पास गई और उनसे कहा कि मैं टीवी के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहती हूँ, मैं टीवी को इस्तेमाल करूँगी वो चेंज लाने के लिए जो मैं दुनिया में देखना चाहती हूँ। ओपरा न्यूटन के 3rd law of motion में बिलीव करती हैं, जो कहता है कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जो भी हम सोचते हैं और जो एक्शंस लेते हैं वो हमारे पास वापस आते हैं। तो ओपरा ने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि आप मेरे पास ऐसा कोई शो लेकर नहीं आओगे जिसमें आपकी इंटेंशंस बिल्कुल साफ ना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है इस शो को दिखाने का, क्योंकि हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है वो हमारी इंटेंशंस पर बेस्ड होता है। और ओपरा विनफ्री शो का लगातार 24 साल तक नंबर 1 रहने का यही कारण था कि उस शो के पीछे एक पर्पस था और वो उनकी इंटेंशंस पर बेस्ड था। तो अगर आप लोगों को अभी तक अपना पर्पस नहीं पता है, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप उस पर्पस को ढूंढें और फिर उस पर काम करना शुरू कर दें। ओपरा कहती हैं आप बिल्कुल वैसे बन जाते हो जैसा आप बिलीव करते हो। हम सब एक एनर्जी का हिस्सा हैं, हम एक ऐसी इंटेलिजेंस का हिस्सा है जो हर जगह है, जिसको सब कुछ पता है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं।
ओपरा को अपने एक्शन पर इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए रहता है क्योंकि वो जानती हैं कि उनके अंदर वो इंटेलिजेंस समाई हुई है जो उनसे बहुत बड़ी है, जिसका वो एक हिस्सा है और जो उनका एक हिस्सा है। ओपरा को अपनी लाइफ में एक एनर्जी फ्लो महसूस होता है। तो अपनी ज़िंदगी में आप या तो उस फ्लो के साथ बह रहे हैं या फिर आप उससे बाहर हैं, और अगर आप उस बहाव के साथ नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा एक मुसीबत बनी रहेगी। और ये सिंक्रोनाइजेशन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है आप उससे कितना दूर हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो डिवाइन इंटेलिजेंस जो आपके अंदर है आप उससे कितना कनेक्टेड हैं। और जब आप इस सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो जिसने आपको बनाया है, तो लाइफ आपको परेशान नहीं कर सकती है। आपका सिर्फ एक ही काम है, अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढना और उसको पूरा करना। जब आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है कि वो अपने अंदर मौजूद उस डिवाइन इंटेलिजेंस की इच्छा पूरी करने में लग जाती है, तब वो ज़िंदगी एक सार्थक ज़िंदगी बन जाती है। तो ये थी ओपरा विनफ्री सक्सेस स्टोरी, और मेरा नाम है गौतम अग्रवाल।